राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम मानवीय आत्मशक्ति। एक बार स्कूल की सबसे ऊंची श्रेणी के विद्यार्थियों से मानवीय आत्मशक्ति पर निबंध लिखकर लाने को कहा गया। इस कक्षा के कई छात्र किताबी कीड़े थे और हल्की फुल्की किताबें न पढ़कर अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्यिक किताबें पढ़ते थे। यही कारण था कि उनकी अध्यापिका ने उन्हें इतना कठिन विषय दिया। अध्यापिका ने उन्हें बताया कि वे या तो अपने अनुभवों को या किसी महान व्यक्ति के जीवन को अपने निबंध का आधार बना सकते हैं। इस निबंध को लिखने के लिए उन्हें 3 सप्ताह का समय दिया गया। बच्चों के निबंध जब अध्यापिका को मिले तो उनमें बच्चों जैसी उमंग और उत्सुकता थी, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि चुनौतियों का सामना करने पर बच्चे किस प्रकार सोचते हैं। अध्यापिका का विश्वास था कि स्कूल में अक्सर बच्चों को कठिन कार्य की चुनौती नहीं दी जाती, जिससे कई बार हम उनकी क्षमता को पहचान नहीं पाते। कुल मिलाकर इन निबंधों में आत्मिक शक्ति को हर दृष्टि से सराहा गया था। अधिकांश निबंधों में साहस की चर्चा की गई थी और मनुष्य द्वारा कठिन से कठिन परिस्थितियों में किए गए साहसिक कार्य पर भी निबंध लिखे गए थे। कुछ बच्चों ने अपने निबंध में मनुष्य के साहस और धैर्य की भी चर्चा की थी। कुछ बच्चों ने एडमंड हिलेरी द्वारा हिमालय पर्वतारोहण को सबसे बड़ा साहसिक कार्य माना था। इस निबंध में एक लड़के ने इस चढ़ाई का विस्तृत वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया था। फुट की कठिन चढ़ाई, जहां तापमान 0 से कई गुना कम होता है और जहां हिलेरी के ऑक्सीजन यंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, और साथ ही चढ़ाई के अंतिम चरण का विस्तृत वर्णन भी इस निबंध में किया गया था। एक लड़की करुणा ने बछेंद्री पाल द्वारा हिमालय की चढ़ाई को अपने निबंध का विषय बनाया था। वो ये सिद्ध करना चाहती थी कि साहसिक कार्य करने में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। कुछ अन्य बच्चों ने समुद्री यात्राओं के रोमांच पर निबंध लिखे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पहले साधारण नावों द्वारा कोलंबस, मार्को पोलो और वास्को डी गामा ने अज्ञात स्थानों की यात्रा की। उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की कठिन यात्रा के अभियान पर भी निबंध लिखे। अरब के लॉरेंस जैसे साहसी व्यक्तियों को रेगिस्तान ने अपनी ओर आकर्षित किया है। एक छात्रा ने रेगिस्तान में ऊंट पर की जाने वाली यात्रा से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। उसने अपने निबंध में रेगिस्तान के दिन की तपती गर्मी और रात की ठिठुरती ठंड का बड़ा ही सहज और स्वाभाविक वर्णन किया था। उसने मानव की असीमित शक्ति का भी वर्णन किया था।
स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने वाली ऐतिहासिक विभूतियों जैसे जॉन ऑफ आर्क, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अब्राहम लिंकन के भी उदाहरण छात्रों ने दिए। आत्मसंतोष की प्राप्ति के लिए मनुष्य हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। ये सिद्ध करने के लिए एक लड़की ने राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन का उदाहरण दिया और बताया कि किस तरह मनुष्य के दुखों के कारणों को खोजने के मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आईं, सिद्धार्थ उन सब का सामना बड़े धैर्य से करते गए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सेवा भावना से एक छोटी सी लड़की बहुत प्रभावित थी और एक अन्य छात्रा ने अल्बर्ट श्वाइत्जर द्वारा अफ्रीका के घने जंगलों में अस्पताल की स्थापना के बारे में लिखा। साहस और धीरज के अतिरिक्त अटल भक्ति और सेवा भावना भी मनुष्य के चरित्र के मुख्य अंग हैं। बाबा आमटे की कुष्ठ रोगियों की सेवा, मदर टेरेसा और हमारे अपने देश के उन अज्ञात लोगों की सेवा भावना के बारे में जरा सोच कर देखो। कुछ विद्यार्थियों का प्रिय विषय अंतरिक्ष यात्रा था और उस विषय से संबंधित सभी जानकारी उन्होंने जमा की थी। उन्होंने प्रथम रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन और अमेरिकी यात्री एलियन ग्लेन का वर्णन किया। एक छात्र ने नील आर्मस्ट्रांग द्वारा पहली बार चंद्रमा पर पैर रखने के विषय में लिखा और एक अन्य विद्यार्थी ने भारत रूस के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान और राकेश शर्मा को अपने निबंध का विषय बनाया। एक बच्चे ने अपोलो 13 के अभियान की असफलता को अपने निबंध का विषय बनाया। उस छात्र ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न स्थानों पर स्थित वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा उसे पृथ्वी पर वापस लाया जा सका। समस्या ऑक्सीजन और बिजली की कमी की थी और ये अत्यावश्यक था कि अधर में लटके उन यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाए और ये असाध्य कार्य उनके निश्चय, कड़ी मेहनत और कुशलता द्वारा ही संपन्न हो सका। इस तरह धैर्य, निस्वार्थ भाव, सहयोग आदि भी मानवीयता के प्रमुख गुण हैं। कुछ लड़कियों ने उन बहादुर बच्चों के बारे में लिखा जिन्हें बाल दिवस के दिन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बहादुर बच्चे ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए बाढ़ में बहते अपने छोटे भाई को बचाया। एक दूसरे बहादुर बच्चे ने पूरे परिवार को जलने से बचाया। इसके अलावा एक साहसी लड़की ने एक छोटे बच्चे को रेलगाड़ी के नीचे आने से बचाया। ये सब वे बहादुर बच्चे थे जिन्होंने दूसरों को खतरे में देखकर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उनकी जान बचाई। कुल मिलाकर ये उस वर्ष की सबसे सफल परियोजना थी। तुम भी अपने अनुभवों से कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हो। मनुष्य की अंदर की शक्ति असीमित है। कभी कभी साहसिक कार्यों को करने की भावना उस शक्ति को जागृत करती है। अन्य अवसर पर कोई बड़ा दुख मनुष्य की आंतरिक शक्ति को प्रकट करने में सफल होता है।
जिस प्रकार अपाहिज होने के बाद भी हेलन केलर ने इतना कुछ कर दिखाया। मानवता के दुख ने कई आत्माओं को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया है। इससे पता चलता है कि हम में असीम धैर्य, सहन शक्ति, निस्वार्थ भावना और साहस है जो जीवन को प्रज्वलित रखता है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने साहस दिखाया है? शायद पल भर के लिए ही सही, तुमने या तुम्हारे मित्रों ने वास्तविक शक्ति का परिचय जरूर दिया होगा। ऐसे रोमांचक क्षण हमारे नियमित दिनों में भी आ सकते हैं। क्या तुमने कभी इसका अनुभव किया है? जरूर किया होगा। लेकिन अगर तुम भी इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेना चाहती हो तो इन महापुरुषों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करो और इस पर चर्चा करो कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मानवीय आत्मशक्ति। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर मोनिका जैन, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।